दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुलौरा। तो यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम उड़द का दाल लिया है और इसको रात में भिगो कर रख दिया था और सुबह में इसको अच्छे से धोकर एक बर्तन में खाली कर लिया है। अब उड़द की दाल को अब हम मिक्सर जार में इसको अच्छे से पीस लेंगे। चलिए इसको अच्छे से हम पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पीस दिया है। अब इसमें हम 5 हरी मिर्च डाल देंगे। हमने हरी मिर्च काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे। इसमें नमक भी डाल देंगे। ये देखिए, और इसको अच्छे से हाथों से फेंट लेंगे। हमें इसको अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको हम गाढ़ा ही रहने देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। चलिए इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। और कढ़ाई को इस पर रख देंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। दोस्तों, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस बैटर को डालेंगे। बिल्कुल हमें इस तरीके से डालना है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से हमें डालना है। इसका साइज हम थोड़ा बड़ा करेंगे। आप चाहे तो इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से डाल लिया है। अब इसको नीचे की तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार देख लेते हैं नीचे की तरफ से अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं। इसको हम अच्छे से पलट लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। हम सारे को इसी तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, हमने सारे को अच्छे से पलट लिया है। अब इसको हम फिर से अच्छे से फ्राई होने देंगे। दोस्तों, गैस का आंच हमें मीडियम रखना है, नहीं तो ये जो हमारा फुलौरा है नीचे से अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से देखने में लगेगा कि ये अच्छे से पक चुका है। दोस्तों, अब हम एक चम्मच लेंगे, कांटा वाला चम्मच, और इसको इस तरह से इसमें छेद कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। अब हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी इधर से नहीं हुआ है। आंच को हल्का हम बढ़ा देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे।
दोस्तों ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी कर रखा है, आप देख सकते हैं, और इसको हम गुनगुना पानी में ही निकाल कर रखेंगे। ये देखिए, इसको हम इसी में रख देंगे और फिर से हम इसी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आंच को हमें फिर से एकदम धीमा कर देना है और इसको धीमी आंच पर पकाना है। चलिए एक बार पलट कर देख लेते हैं इसको। ये हो चुका है नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से ये अच्छे से हो चुका है। अब सभी को हम अच्छे से पलट लेंगे। अब नीचे की तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इसको चम्मच से फिर से इसको हम इसमें छेद करेंगे। तो चलिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे और फिर से हम इसी तरह से इसको भी डाल देंगे। तो चलिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब फ्राई करके इसको पानी में रख दिया है। अब इसको हम आधा घंटा तक पानी में रहने देंगे और इसको अच्छे से फूलने देंगे। दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको ये देख लेते हैं, ये जो हमारा फुलौरा है अच्छे से फूला है कि नहीं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लेंगे छाछ। यहाँ पर देखिए, मैंने छाछ लिया है। छाछ को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी भी लेंगे, पानी को इसमें डालेंगे। ये देखिए, अब छाछ में हम डालेंगे भुना हुआ लाल मिर्च। इसको मैंने दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। यहाँ पर मैंने धनिया को भूनकर दरदरा पीस लिया है, अब इसको भी डालेंगे। और भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा भी हम इसी में डाल देंगे। इसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम नमक भी डाल देंगे। ये देखिए, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसी में डाल देंगे। दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर छाछ खट्टा है तो और भी टेस्टी लगता है खाने में। इसको हम अच्छी तरह से छाछ में डुबो देंगे। ये देखिए, अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। देखिए दोस्तों, देखने में कितना अच्छा लग रहा है।
आप घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको फुलौरे की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।